तो कैसे हो जवानों? तो बाबा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे और दुलारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब की कुछ अमीर और जलील अवाम के बारे में, जिनका सिर्फ काम है दूसरों की मेहनत पर मजे मारना। तो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मेहरबानी करो, लाइक और सब्सक्राइब करो लाजमी, नहीं तो जुलने कुदरो एंड में कर देना। अव्वल तो पूरी दुनिया ही इसी काम पर लगी हुई है, पर इन लोगों का लेवल ही अलग है, एकदम बगैरत प्लस वाला। ये लोग पता नहीं किसी कोने खुदरे से उठकर चले आते हैं। इन जैसे लोग होते हैं जिनको घर में आईडी कार्ड नहीं, डीएनए रिपोर्ट दिखाकर रोटी मिलती है। यार, एक लोग होते हैं व्लॉगर्स, फिर आते हैं रोस्टर्स, फिर आती है टट्टी, उसके बाद आते हैं ये लोग जो मुर्गी का अंडा अपने नीचे रख कर कहते हैं, अम्मी अम्मी देखे मैंने अंडा दिया है। यको, इधर भी मुर्गी की मेहनत गर्क कर दी। इन लोगों को देसी जुबान में कहते हैं रिएक्शनिस्ट। क्या करता है रे तेरी तो? आप लोगों को क्या लगता है कि टट्टी करना दुनिया का सबसे आसान काम है? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा आसान है किसी की वीडियो पर रिएक्ट करना। अव्वल तो इन लोगों का दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बस एक जगह पे कुर्सी रखो, साथ में प्यारी सी मोटे मोटे गाल, मोटी सी आंख और बड़े बड़े बालों वाली एक खूबसूरत सी लड़की रख लो, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा चैनल बन गया। देखो, एक पल में दुनिया से चावल खत्म हो सकते हैं, टिकटॉक वालों से उनका मीठा पान खत्म हो सकता है, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले कभी भी खत्म नहीं होंगे। साला भुट्टो ने मर जाना, पर इन लोगों ने फिर भी जिंदा रहना। जैसे जैसे दुनिया की नॉन स्टॉप आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे रिएक्शन चैनल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। अगर आप बिल्कुल वेले हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपको कोई घास नहीं डालता, आपके घर में इज्जत नहीं है, आपको बाहर कोई मुंह नहीं लगाता, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आप लोग रिएक्शन चैनल खोल सकते हो। क्या कहते हो, बेहतरीन उसका दिया है ना? इस काम से मिलेगा आप लोगों को इंतहा का फेम, मुफ्ती के डॉलर, मर्दाना कमजोरी का इलाज। अरे अरे, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इन सारी चीजों से आप लोगों को मिलेंगे डॉलर, वो भी हराम नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी एक रतन था मैंने। हाँ, लगता है कि ये नया गाना है, गाना नया है तो हमने तो कभी नहीं सुना है, तो हमने तो कभी नहीं सुना। कैरी के तो हमारे साथ ताल्लुकात है ना, जो वो हमें घर बुलाकर चाय पानी पिलाकर पूरा गाना सुनाएगा। अब मैंने बोला था एक मोटी मोटी आंख वाली लड़की, साला ये तो पूरा डंपर सामने ले आए। यार, गरीब की बातों को सीरियस ना लिया करो। और तुम लोगों ने एक बात नोट की, रिएक्शन चैनल वालों का तो एक ही फंडा है, इन लोगों ने कभी किसी अनपॉपुलर सॉन्ग या बंदे पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि पॉपुलर सॉन्ग मतलब ज्यादा व्यूज, ज्यादा व्यूज तो मतलब बहुत सारे डॉलर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Does it better? नहीं दी, पहले ये बताएं, आप ये रिएक्शन देने से पहले किधर गई थी? क्योंकि जिस तरह के इशारे और शक्ल आप बना रही हैं, मुझे तो कोई और चक्कर लगता है, और ऊपर से हाथ तो यूं हिला रही हैं जैसे जैसे कोई ट्रैफिक वार्डन हो। इससे तो अच्छे इशारे हमारे इधर छोटे बच्चे पीटी के टाइम करते हैं। Wait a minute. अब बोला था ना मैंने कि बस लड़की होनी चाहिए साथ में तो तुम्हारा चैनल सफल है, ऊपर से लड़की ऐसी हो, किधर है हमारे हवस के मारे बंदे? साला बंदा वीडियो नहीं थंबनेल पर ही आधे मजे पूरे कर लेता है। वीडियो तो पहले स्टार्ट होने दे, पहले ही हंसी शुरू। ऐसी ऐसी सुन के तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएं। इतनी कातिल हंसी, अगर इस वीडियो में ये लड़की ना होती तो मैंने पक्का ये वीडियो देखना छोड़ देना था, पर क्या करें, एक शरीफ लड़का होने के नाते हम सारी चीजों को छोड़कर फोकस करते हैं इस पर। जी जी, अब दीदी को भी याद आ गया कि इधर हंसना था। दोनों को इतनी ज्यादा हंसी आ रही है कि मुंह पे हाथ रख जाए कहीं अंदर के फेफड़े बर ना आ जाए, या ये दोनों आज ब्रश करना भूल गए हैं तब हाथ मुंह पे रखा हुआ कहीं दांत नजर ना आ जाए। बस यार, तुमने बस ये करना है कि हर बात पर हंसी जाओ। मैं एक लड़का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मुझे शादी की सख्त किस्म की जरूरत है। हट पे, चल निकल। अव्वल तो पूरी दुनिया रिएक्शन करने में लगी हुई है, पर इनमें कुछ काले चिट्टे मतलब गोरे भी आते हैं जो कि इस बहती नाली में भी डुबकी लगाते हैं। अब वो तरजी हुई आवाम जिनको वीपीएन यूज करना नहीं आता, वो इधर आके अपनी आंखें सेकते हैं। जैसे हमारे इधर बच्चा पैदा होता है तो उसका बाप कहता है, मेरा बेटा इंजीनियर। तो इसी तरह जब फौरन कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अब्बू जान कहते हैं, मेरा बेटा रिएक्शन चैनल खोलेगा।
I think you will have a fight for him. He's mine. No, actually, he's mine. Sorry, oh my God. No, no. He's mine. Yeah, yeah, he is yours. Tu jamme aaye? Oh my God, he's hot. So hot. Hot. Take me so hot. Oh my God, he's hot. He's hot. He's एक तो ठहरे ये गोरे, ऊपर से ये रिएक्ट करे इंडियन सॉन्ग्स पर। इन गोरों का तो बस एक ही फंडा है, अगर आप लड़की हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस हॉट 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 कह के वीडियो को लंबी कर लो। हॉट हॉट तो इस तरह बोल रही है जैसे इसका अब्बा मसाले की दुकान पर काम करता है। हॉट हॉट तो यूं बोल रही है जैसे इस टंगे चूल्हे के ऊपर बैठी हुई है। पहले आते हैं इंडियन, फिर आते हैं उर्दू बाजार के साइड वाले लोग, आखिर में आते हैं ये लोग जो कि एक ही जुमले पर पूरी वीडियो खत्म कर देते हैं। Don't look at me like that. Okay. Okay. अब इस मोहतरमा का भी रिएक्शन मुलाहिजा फरमाया जाए। हाय 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 हाय, ये रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शन है। अब इतना मेकअप तो यूं किया हुआ है जैसे रिएक्शन नहीं कि वलीमे पर जा रही हो। ऊपर से हवस के पुजारी अवाम लड़की की शक्ल देखकर ही आते हैं। आगे से लड़के की शक्ल बेशक ऐसी हो, ऊपर से रिएक्शन की वीडियो तो कोई सही सी सिलेक्ट कर लेते, मतलब कुछ भी कुत्ता बिल्ला हाथ चढ़ा रिएक्ट कर दिया। अब तुम लोग मुझसे लिखवा लो, इस लड़की को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। यार इतनी लिखाती है अपनी वीडियो को फुल स्टॉप। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार इस वीडियो पे हर लाइक करने वाले को मिलेगी दिल की शांति। यार तेरा परी हुई बंदूक नहीं, यार तेरा परी हुई बंदूक नहीं, एको गोली नाल जेड़ा खून लेंदा चूसनी, यार तेरा परी हुई बंदूक नहीं।